कि हम वहाँ पर आरएसएस में जो इनका हेडक्वार्टर नागपुर में उसको वहाँ पर जा करके मैं खुद तिरंगा दे के आऊँ 14 अगस्त को कि भैया तिरंगा लगाओ यहाँ पर। आप ड्रामा कर रहे हो, आप संविधान दे दो भाई, आप संविधान दो हमारे सब लोगों को, हमें तिरंगा नहीं चाहिए, तिरंगा हमारे दिल में है, हमारे दिमाग में है, और हमें संविधान दो जिससे हमारे अधिकार पता चले। कर्नाटक के एक विधायक ने कहा था बीजेपी के कि तिरंगा हटाओ और यहाँ पर ये भगवा लगाओ, भगवा लगना चाहिए। हमने इसी जंतर मंतर पे 15 दिन पहले प्रोटेस्ट किया और शायद उन्होंने उसी प्रोटेस्ट से डर के इन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली है कि भाई तिरंगे का ड्रामा करें। अब ये तिरंगा भी खतरे में पड़ गया। देखो जिस चीज को इन्होंने पहले कहा काला धन तो काला धन नहीं आया और बढ़ गया। वहाँ पे इन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरियां, 2 करोड़ नौकरियां और 2 करोड़ से क्या 20 करोड़ खत्म हो गई। तो ये जिस बात को ज्यादा कहते हैं उसी बात को समझ लो खतरे में है। 75वां जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं ये उसका अपमान है। अगर आप अमृत महोत्सव तब मनाते जब इस देश का एक एक नागरिक पढ़ा लिखा हो जाता, आप उस समय मनाते जब इस देश का एक एक नागरिक को रोजगार, वो क्या कहते हैं सेल्फ डिफेंस, तो अपने अपने आत्मनिर्भर हो जाता, जिसको रोटी, उसको घर, उसको चिकित्सा सबको मिलती। आज देखो ये सब बैठे हुए गरीब यहाँ पर भारी संख्या में बैठे हैं। आज इस देश की 80% आबादी 10वीं से कम पढ़ी लिखी है और इस देश की 60% आबादी जो पहली दूसरी पढ़े हुए हैं, इस देश की 40% आबादी अंगूठा छाप है। दुनिया थूक रही है, तुम मुफ्त दे रहे हो, अरे आराम करो, मुफ्त मत दो, हम तुम्हें टैक्स देने चाहिए। एक एक नागरिक टैक्स देना चाहिए, उतनी इनकी इनकम होनी चाहिए, उतनी इनके पास पैसा होना चाहिए कि ये उल्टा सरकार को दे। तुम मुफ्त देने वाले कौन होते हो? ये घूसखोरी है। वो तिरंगा किसी को बोल दिया पूंजीपति को बनाने को, उसने खूब सारे बना दिए गुजरात में, अब उसको सरकार खरीदेगी और सरकार सबको बांट देगी और उसका मुनाफा हो जाएगा। पैसे से क्या होगा? घर घर रोजगार पहुंचाओ ना भाई, घर घर शिक्षा पहुंचाओ, घर घर सुरक्षा पहुंचाओ ना, घर घर घर। आप तिरंगा मत पहुंचाओ, संविधान की कॉपी पहुंचाओ यार, हिंदी में बना करके। मैं ब्रजमोहन इस वक्त हूँ जंतर मंतर। आज मेरे साथ खास मेहमान हैं अशोक अज्ञानी जी, जो लगातार दलितों के अधिकारों की बात करते रहते हैं। सर, जिस प्रकार से आज हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिन से यहाँ पर देश भर के मजदूर संगठन, खास करके नरेगा के लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, चूंकि ये बात तो किसी से छुपी नहीं है, जग जाहिर है कि जो मजदूर वर्ग है वो दलित आदिवासी होते हैं, तो क्या आप भी इस मामले को करीब से देख रहे हो? और उन्होंने जिस प्रकार से आरोप लगाए हैं कि इसमें बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है, खुद मुखियाओं ने यहाँ आकर के हमसे जनता आवाज से बोला है, किस तरीके से देख सकते हैं भ्रष्टाचार को? देखिए ये भ्रष्टाचार को तो अब भ्रष्टाचार तो रम गया पूरे के पूरे से उसमें, और सभी लूटमारी मच रही है। पहली बात तो ये कि कांग्रेस ने इसको मनरेगा को शुरू किया था और इस मनरेगा का इम्प्लीमेंटेशन भी ठीक से हुआ नहीं है। देखिए सवाल इस बात का, आप जितने भी योजनाएं लिया हो, और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये था क्योंकि ग्रामीण में कुछ तो आप मजदूरी करके खेतों से आ जाता है और खाली समय में जब खेती नहीं होती है तो उन मजदूरों को साल में 100 दिन का उनको रोजगार मिल पाए जिससे कि उनकी रोजी रोटी चल पाए। क्योंकि देश के अंदर जो खेतों के मालिक हैं उसके अलावा जो खेत मजदूर हैं, ये मनरेगा उनके लिए जो जिनके पास खेती नहीं है, क्योंकि खेती नहीं है तो उनके पास एक लिमिटेड राशन होता है और लिमिटेड ही उनको पैसे मिलते हैं, तो ये उनके लिए था। अब वहाँ पर जो वहाँ के जो मुखिया हैं या वहाँ के जो कलेक्टर हैं, SDM है, सब मिल करके उस पैसे की लूट कर रहे हैं और ये कागजों पर दिखाया जाता है। क्योंकि मैं भी देश के अलग अलग इलाकों में जाता हूँ, वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में मैं काम करता हूँ आदिवासियों के बीच में, SC ST के बीच में, तो वो बेचारे मेरे से शिकायत करते हैं कि वो उनको सिर्फ कागजों में दिखा देते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कब पैसा आया, कब दिहाड़ी लगी, कब नहीं लगी। इसका थोड़ा बहुत जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था अपनी जान बचाने के लिए, ये जो अभी कोरोना गया इसमें इन्होंने ईमानदारी से कुछ दिया था जो कि लोगों को रोटी मिल जाए, लेकिन जो वहाँ के मुखिया सरपंच हैं वो सब मिल करके बंदर बाट कर रहे हैं, वहाँ के कलेक्टर और SDMs की उसके साथ मिल करके, नगर पंचायत जो है पूरी तरह से मिल करके इसका बंदरवाट हो रहा है। आप जितनी मर्जी कल्याणकारी, देखिए कल्याणकारी स्टेट है भारत, कल्याणकारी स्टेट है, वेलफेयर स्टेट है, इसमें हर गरीब से गरीब आदमी तक रोटी पहुंचे, उस तक पैसा पहुंचे, शिक्षा पहुंचे, ये स्टेट की जिम्मेदारी है जो भारत के संविधान ने लगाई है। लेकिन आप खाली अगर योजना बना के बाई बाई लूट लेंगे, जैसे उज्ज्वला योजना इन्होंने बनाई थी और कल संसद में वो बयान दे रहा है उनका जो मंत्री है, वो कह रहा उज्ज्वला योजना के तहत इनको फ्री सिलेंडर तो बांटे गए लेकिन वो फ्री सिलेंडर एक बार भी दोबारा भरे नहीं गए। एक बार जो इन्होंने भर के दिए दोबारा से रिफिल नहीं हुए क्योंकि उनके पास उसको भरवाने के पैसे ही नहीं है। वो जैसे 400 रुपए के ऊपर था वो पहुंच गया आज 1,050 रुपए 53 रुपए, अब उसकी सब्सिडी हटा ली, सब हटा ली। तो आप ये तो संसद में ये भी कह रहे हैं कि हम तो फ्री पंड का खाना दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को, ये अपमान है। 75वां जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं ये उसका अपमान है।
अगर आप अमृत महोत्सव तब मनाते जब इस देश का एक एक नागरिक पढ़ा लिखा हो जाता, आप उस समय मनाते जब इस देश का एक एक नागरिक को रोजगार, वो क्या कहते हैं, सेल्फ डिफेंस, तो अपने अपने आत्मनिर्भर हो जाता, जिसको रोटी, उसको घर, उसको चिकित्सा सबको मिलती। आज देखो ये सब बैठे हुए गरीब यहाँ पर भारी संख्या में बैठे हैं। आज इस देश की 80% आबादी 10वीं से कम पढ़ी लिखी है, और इस देश की 60% आबादी जो पहली दूसरी पढ़े हुए हैं, इस देश की 40% आबादी अंगूठा छाप है। आपको पता है मुझे दुख होता है दिल्ली में जब मैं मजदूर लेता हूँ, जब मैं उनका केस बनाता हूँ, कंप्लेंट बनाता हूँ, तो उनसे जब साइन करने को कहता हूँ, तो आज भी वो महिला, वो बेचारी अंगूठा लगाती है, उनको पढ़ना नहीं आता। इस देश की राजधानी में अरे डूब मरो, 75 वर्ष में आप अमृत महोत्सव मनाओगे, तुम्हें डूब के मरना चाहिए तुम्हें। हाँ संकल्प, ये तो बड़ी शान से कहते हैं कि 80 करोड़ मतलब लोगों को खिला रहे हैं, तो स्वाभिमान से कह रहे हैं ये। दुनिया थूक रही है, दुनिया थूक रही है, तुम मुफ्त दे रहे हो, अरे हराम करो, मुफ्त मत दो, हम तुम्हें टैक्स देने चाहिए, एक एक नागरिक टैक्स देना चाहिए, उतनी इनकी इनकम होनी चाहिए, उतनी इनके इनके पास पैसा होना चाहिए कि उल्टा सरकार को दे, तुम मुफ्त देने वाले कौन होते हो। सर आजादी महोत्सव चल रहा है 75वां, और जो बीजेपी है वो पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है सर। नहीं इसमें तो देखो ये घूसखोरी है, वो तिरंगा किसी को बोल दिया पूंजीपति को बनाने को, उसने खूब सारे बना दिए गुजरात में, अब उसको सरकार खरीदेगी और सरकार सबको बांट देगी और उसका मुनाफा हो जाएगा पैसे, तो ये तो सरकार के पैसे की बंदरबांट है, अपने पूंजीपतियों को पैसा देने की है। भैया तिरंगा तो हमारे दिल में है, हमारे इस देश के हम नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक हैं, मैं हूँ भारत, मैं हूँ तिरंगा इस देश का, हर नागरिक प्यार करता है अपने तिरंगे को, अपने भारत को। तुम कौन होते हो तिरंगा बांटने वाले, तुम तो एक पूंजीपति को अपने सरकार के पैसे से बांट करके उसका वो तरंगे खरीद के तुम फ्री में बांट रहे हो, ये क्या तरीका भाई? घर घर तिरंगा तो पहुंचा रही है बीजेपी, उससे क्या होगा, घर घर रोजगार पहुंचाओ ना भाई, घर घर शिक्षा पहुंचाओ, घर घर सुरक्षा पहुंचाओ ना, घर घर घर, आप तिरंगा मत पहुंचाओ, संविधान की कॉपी पहुंचाओ यार, हिंदी में बना करके, संविधान क्यों नहीं पहुंचाओ? संविधान को तो माना ही नहीं, जिस प्रकार से 3:2 में झंडे का साय दिया गया, उसका नियम है अधिनियम, झंडा अधिनियम, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रोफाइल में एक गोल आकार का झंडा लगा दिया है। सर ये तो इन्होंने हमारा जो अशोक चिंता हुई बदल दिया, तिरंगे को सीधे की जगह वो गोल कर दिया, अभी तो पता नहीं क्या क्या करेंगे। हम ये कह रहे हैं, इनसे मांग कर रहे हैं आपके चैनल से, आपके रेपुटेटेड चैनल है, दुनिया देखती है, मैं आपके चैनलों के माध्यम से अपील कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री महोदय ये जो तिरंगे को मत बांटो, भारत के संविधान को बांटो, और आप इस देश की भारत की शिक्षा नीति में एक एक पहली क्लास से लेकर के और टॉप क्लास तक वहाँ संविधान पढ़ाओ, जो कि लोगों को अब संविधान की वैल्यू पता चले, अपने अधिकार पता चले। जब मैं बोलता हूँ ना, हमने संविधान 40 साल चलाया, बड़ी बड़ी सभाओं में बोल के मैंने पढ़े लिखे लोगों को बोला कि भैया कितने हाथ उठाओ, कितने लोगों ने संविधान पढ़ा है, 1% लोगों ने नहीं पढ़ा। वो बोलेंगे जय संविधान, लेकिन उन्होंने संविधान की कॉपी, प्रेम्बल नहीं पता, उद्देश्य का नहीं पता। लेकिन बीजेपी के नेता हनुमान चालीसा तो पढ़ रहे हैं। हाँ तो हनुमान चालीसा पढ़ने से उनका वर्ण व्यवस्था वापस आएगी, वो इस देश में जो बहुमत लोग हैं, ढोल गवार शुद्र पशु नारी, उनको दोबारा गुलामी का गुलाम करने के लिए ये संविधान, वो हनुमान चालीसा है। हनुमान चालीसा तो भैया संविधान से पहले भी था, तो इस देश में महिला को सती किया जाता मरे हुए आदमी के साथ, इस देश में महिला को वहां पर वो बनाया जाता, देवदासी बनाया जाता था, इस देश में शूद्रों को, अछूतों को अब ना शिक्षा लेने दी जाती थी, ना पानी लेने दिया जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। जब से भारत का संविधान लागू हुआ, तो इस देश के जो ढोल गवार शूद्र पशु नारी ने तरक्की की, शिक्षा मिली, रोजगार मिले, उनको सम्मान मिला, सुरक्षा मिली, बराबरी मिली, उनको अपनी बात रखने का मौका मिला, तो इस भारत के संविधान को हटा करके ये संविधान चालीसा वाली उसको हनुमान चालीसा वाली उसको लाना चाहते हैं, उसको व्यवस्था को, यानी मनुवाद को लाना चाहते हैं। आप गलत आरोप लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो अपने प्रोफाइल में भी तिरंगा लगाया, देश के नागरिकों से भी आग्रह किया है कि सब अपनी अपनी प्रोफाइल डीपी में तिरंगा लगाएं, वो बात अलग है कि उनके जो मुखिया संगठन है आरएसएस उन्होंने नहीं लगाया, इस पर क्या कहोगे? देखिए हम ये सोच रहे थे, मेरा प्रोग्राम ये था कि हम वहाँ पर आरएसएस में जो इनका हेडक्वार्टर नागपुर में, उसको वहाँ पर जा करके मैं खुद तिरंगा दे के आऊँ 14 अगस्त को कि भैया तिरंगा लगाओ यहाँ पर। आप ड्रामा कर रहे हो, आप संविधान दे दो भाई, आप संविधान दो हमारे सब लोगों को, हमें तिरंगा नहीं चाहिए, तिरंगा हमारे दिल में है, हमारे दिमाग में है, और हमें संविधान दो जिससे हमारे अधिकार पता चले। भाई तिरंगा तो झंडा, उसमें कोई संविधान की कोई अनुच्छेद लिखे हुए हैं क्या? लेकिन मोहन भागवत और आरएसएस का जो संगठन है, ट्विटर हैंडल है, उस पर अभी तक तिरंगा नहीं लगा है, इस पर क्या? सर इसी जंतर मंतर पे 20 दिन पहले हमने एक विरोध किया था, प्रदर्शन, कर्नाटक के एक विधायक ने कहा था बीजेपी के कि तिरंगा हटाओ और यहाँ पर ये भगवा लगाओ, भगवा लगना चाहिए, हमने इसी जंतर मंतर पे 15 दिन पहले प्रोटेस्ट किया, और शायद उन्होंने उसी प्रोटेस्ट से डर के इन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली है कि भाई तिरंगे का ड्रामा करें, अब ये तिरंगा भी खतरे में पड़ गया। देखो जिस चीज को इन्होंने पहले कहा काला धन
तो काला धन नहीं आया और बढ़ गया वहाँ पे। इन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरियां और 2 करोड़ से क्या 20 करोड़ खत्म हो गई। तो ये जिस बात को ज्यादा कहते हैं उसी बात को समझ लो खतरे में है। हमारा संविधान चिल्लाया, संविधान खतरे में कर दिया। ठीक है सर, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अशोक अज्ञानी जी, इनसे हमने बात की। आप देखते रहिए जनता आवाज। आपको ये खबर कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।